हेलो दोस्तों, मैं तीन पत्ती लोटस लेकर आया हूँ। मैंने पिछली वाली वीडियो में सिर्फ आपको एड केस कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और खेलना कैसे है उसके बारे में डिटेल दी थी। तो मैं आज फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको आज विन करने की ट्रिक दिखाने के बाद आपको मैं बैंक डिटेल भी दिखाऊँगा। वो बैंक डिटेल कैसे अपलोड करना है उसके बारे में जानकारी दूँगा। बाद में इंस्टेंट विड्रॉल भी करके दिखाऊँगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन और पे सेलेक्ट करना ना भूले। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तीनपति लोटस में आप विड्रॉल से लेके गैम्प्लिक से लेके अकाउंट रिलेटेड पूरा का पूरा डिटेल सबमिट कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आपको गैम्प्लिक कैसे खेलते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को पे सिलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। मैं हूँ टेक्निकल भी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, तीनपति लोटस मैंने पहले से ऐप ओपन करके रखा है। ऐप ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपको तीनपति गैम पूरा का पूरा डिटेल आपको मिलेगा। और तो ये देख लीजिए, 80 रुपीज़ हो गए हैं। तो मेरे को एक बार फिर से खेल लेना पड़ेगा। तभी आपको एक बार फिर से खेल लेना है और आपको गेम प्ले में बने रहना है। गेम प्ले में बने रहने के बाद डायरेक्टली शो माने के लिए डायरेक्टली आपको सक्सेसफुल। तो पहले मैं एक बार बैंक अकाउंट डाल देता हूँ आपको। तो फिर से एक बार मैं खेल लेता हूँ। बैंक अकाउंट डालने के लिए पूरा का पूरा आपको बैंक अकाउंट नेम, कंफर्म बैंक अकाउंट नेम, पहले आपको पूरा नाम डाल देना है। ऊपर ऊपर आपका नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद नीचे आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। तो मैं बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, कौन सा भी आपका है बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। और नीचे दो बार बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे आपको एक आईएफएससी कोड डाल देना है। तो मैं कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ और नीचे आपको एक आईएफएससी कोड डाल देता हूँ। तो ये देख लीजिए आपके सामने, ये आईएफएससी कोड भी मैं डाल देता हूँ। डाल देने के बाद डायरेक्टली आपको मिनिमम आपको 100 तक आप विड्रॉल लगा सकते हो। और आपको 10 सेकंड के अंदर में आपको एक मैसेज भी आ जाएगा आपके पास, 100 रुपीज़ क्रेडिट हो गए सर। तो ये देख लीजिए, एक वेरिफिकेशन कोड भी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। कौन सा भी आपका मोबाइल 9406 99, कौन सा भी एक मोबाइल नंबर डाल देना, उस पर आपको वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये देख लीजिए, आपके पूरा का पूरा बैंक अकाउंट का डिटेल आपके सामने शो हो जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर और आपका नाम पूरा का पूरा, और आप 100 रुपीज़ तक विड्रॉल कर सकते हो। तो फिर से एक बार हम एक बार गेम प्ले खेल तो कंफर्म हो गया, 20 रुपीज़ मिल गया और बाकी का 80 रुपीज़ था। तो 100 रुपीज़ मैं लेवल पहले मार देता हूँ, 100 रुपीज़ विड्रॉल कर सकता हूँ। तो 100 रुपीज़ पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। 100 रुपीज़ पे ये देख लीजिए आपके सामने बैक कर लिया मैंने। बैक करने के बाद डायरेक्टली 100 रुपीज़ पे क्लिक कर लिया, डायरेक्टली विड्रॉल पे चला जाता हूँ। विड्रॉल पे चला जाने के बाद डायरेक्टली मैं आपको 100 रुपीज़ विड्रॉल करके दिखाता हूँ और इंस्टेंट विड्रॉल करके दिखाता हूँ। और आपके पास बैंक अकाउंट पर डायरेक्टली ऑलरेडी हो जाएगा क्रेडिट। तो 100 रुपीज़ पे क्लिक कर लेता हूँ और विड्रॉल पे क्लिक कर लेना है। ब्लू टाइप और वाइट का ऑप्शन पे विड्रॉल पे क्लिक कर लेता हूँ। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको पेंडिंग पे दिखा रहा है, पेंडिंग पे दिखा रहा है मतलब ये प्रोसेसिंग पे आपके सामने आ जाएगा। ये देख लीजिए, ऊपर मैसेज भी आ गया क्रेडिट का, आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख लीजिए आपके सामने, जूम करके दिखाता हूँ, 100 रुपीज़ क्रेडिट हो गया, ऐसा कैश फ्री थ्रू आ गया है। ये देख लीजिए आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल आपको दिखा भी दिया है मैंने, और आप चेक भी कर सकते हैं उसमें। ये देख लीजिए, एक ही रुपये है मेरे पास, 100 रुपीज़ मैंने विड्रॉल फर्स्ट स्टार्टिंग पे कर लिए। तो दोस्तों ये देख लीजिए आपके सामने, ऐसे ही विड्रॉल कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।